भोपाल में विद्या बुद्धि की देवी माँ सरस्वती पूजा का वसंतोत्सव पर्व आज विधि विधान और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों, घरों व विद्यालयों में पूजा अर्चना के अलावा जनेऊ व दीक्षा आदि संस्कार के आयोजन शहर में बड़े ही धूमधाम के साथ हो रहे हैं। इस बार सिद्ध, साध्य और रवि योग के त्रिवेणी योग में ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा हो रही है, जो कार्य में शुभता और सिद्धि प्रदान करती है। भोपाल के भेल सरस्वती मंदिर में मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना का क्रम जारी है। वहीं वसंत पंचमी के अवसर पर राजधानी के मिनाल रेसिडेंसी क्षेत्र में महिलाओं ने हल्दी कुमकुम के माध्यम से एक दूसरे को तिलक लगाया और पर्व की शुभकामनाएं दी। शताक्षी सेवा संस्था ने सरस्वती पूजन कर एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर महिलाओं ने मां सरस्वती का पूजन कर एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाया और सुहाग सामग्री वितरित की तथा समाज देश प्रदेश की खुशहाली की मां सरस्वती से प्रार्थना की। संस्था के अध्यक्ष नंदा दुबे ने बताया कि सरस्वती पूजन के माध्यम से सभी की सुख समृद्धि और विकास की कामना की है। आज हम लोगों ने यहाँ मुगली पार्क में, मिनाल रेजिडेंसी में स्थित मुगली पार्क में हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम करा। इसमें सारी सुहागिन महिलाओं को बुलाया और सुहाग सामग्री वितरित की। इसके साथ ही भजन कीर्तन किया गया। साथ ही हम लोगों ने सबसे माँ सरस्वती का पूजन करा। सारी महिलाओं ने, सारी बहनों ने मिलकर यहाँ पर सरस्वती माता का पूजन किया और हम सब ने यही प्रार्थना करी कि हे माँ सरस्वती, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो भी संकट हो, आप उसको सबको हरे और सारे खुशहाल बनाए, सभी को खुशहाल बनाए, समाज में खुशहाली हो, देश में खुशहाली हो, प्रदेश में खुशहाली हो तथा हमारी सरकार आगे बढ़ती रहे। सरस्वती पूजन के बाद महिलाओं ने वसंत उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया। झूले पर झूला झूलकर महिलाओं ने अपनी खुशी जाहिर की। मृदुभाषी के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।